अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और ये पत्ते दोनों आए हैं, एक पहले निकला है और एक उससे छोटा, ये एक साल के सिर्फ पत्तों से। तो ये हल्दी के लगाए हुए हैं तो उनकी वो शुरू हो गई, अदरक लगाई भी है इसमें, इसमें भी हल्दी है थोड़ी सी हुई है, अदरक का ये निकलना शुरू हुआ है, इसमें भी अदरक हल्दी लगाई हुई है। तो उम्मीद है इसी तरह से जैसे मैं सीख रही थी, 4 साल से बना रही, लगा रही हूँ, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो सब गार्डनिंग के शौकीन इसी तरह अपने पौधों को उनको करने की कोशिश करेंगे। ये हल्दी के प्लांट हैं, इनमें से लीव्स निकलना शुरू हो गए अभी, और ये लगा हुआ है इसमें भी लीव्स निकलना शुरू हो गए। ये पोटैटो वाइन, ये भी बारिश के इस वजह से पानी नहीं दिया है कि बारिश अभी होने का है कि तो उसके सर में पानी अभी 2-3 दिन नहीं दिया, फिर भी पानी अच्छा खासा है। ये भी ये जो अभी बारिश हुई है उससे यूफोरबिया का प्लांट छोटा वाला, कल इनमें गुडाई करके एक दिन पहले की थी गुडाई, फिर खाद डाली थी, ये भी सारा धूप से गर्मी से उससे जल गया है, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ी सी वो है। अब इसकी कटाई करनी है, ये नीचे से तो अभी चल रहा है, वो बोगनवेलिया में भी ये पर्टिकुलर में फ्लावर आ रहे हैं, और उसके बाद सीड बनने का उसका वो होता है तो निकाल देते हैं, इसमें भी बन रही है कलियाँ। ये पेंसिल कैक्टस छोटे से उसमें लगा हुआ है, एलिमेंडर का ये एम्बर्स लिली का पिंक वाला, इसमें अब मॉनसून के बाद इसमें फ्लावर बनेगा, कैक्टस प्लांट पेंसिल प्लांट हो सकता। ये पाम प्लांट है, इसकी डिफन बाकी की कटिंग लगाई थी पिछले साल तो काफ़ी बड़ी हो गई है, ये रिपोर्ट किया था।
इसको कल रिपोर्ट किया था रेस की, सारी ये निकल रही हैं रूट्स, इनमें से कटिंग से और भी लग जाएंगी। गर्मी से बहुत प्लांटों को नुकसान हुआ है। ये भी अब बड़े इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया की वेरीगेटेड वाली कटिंग की थी, तो इसमें जगह जगह से बहुत सारी निकली हैं। ये देखें, ये रही ये। और नीचे से ये है, इसको भी बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करना है। ये अनार का सीड से लगाए हुए पौधे हैं, ऊपर जो रूफ टॉप पर रखा हुआ है वो तो 3-4 साल पुराना है, बड़ा हो गया, उसमें अब फ्लावर एक आके फ्रूट भी शायद बन जाए। इसी तरह से लगाए थे जैसे ये लगाए हैं सीड को डाल के, तो अब ये भी 2 महीने तकरीबन हो गए इसमें लगे हुए, तो अब बढ़ते जा रहे हैं, 4 प्लांट हैं इसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें।